चिन्नास्वामी का मैदान हो और स्मृति मंधाना शतक लगाएं और ऐसा सेलिब्रेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो चिन्नास्वामी में अब सबसे ज्यादा विराट कोहली के बाद अगर कोई फेमस है तो फिर पूरे बेंगलोर में एक्चुअली में तो वो स्मृति मंधाना ही है, क्योंकि इन्होंने ही तो WPL बेंगलोर को ट्रॉफी जिता कर दी जिसे बेंगलोर फैंस को इंतजार था। तो स्मृति मंधाना ने आज भी चिन्नास्वामी जाकर वहां के फैंस को शानदार तोहफा दिया, शतक जड़ा है और शतक जड़ने की वजह से भारतीय विमेंस टीम जो है उसने साउथ अफ्रीका विमेंस टीम को मात देकर 3 वनडे सीरीज की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। दरअसल पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था साउथ अफ्रीका की टीम ने, तो कुछ विकेट्स तो गिर रहे थे दूसरे एंड पर, लेकिन अकेले स्मृति मंधाना ने 117 रन ठोक कर मैदान पर आए सभी दर्शकों को उत्साह करने का मौका दिया और दर्शकों ने भी शतक का अभिवादन खड़े होकर किया। स्टैंडिंग ओवेशन मिला स्मृति मंधाना को इस 100 के लिए। पूरा क्राउड जो है वो खड़े होकर मंधाना के लिए ताली बजा रहा था। भले ही बात वो WPL से जुड़ी हो, लेकिन देश के लिए भी स्मृति मंधाना ने कई ऐसे कारनामे किए जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। स्मृति मंधाना ने 117 रन बनाए 127 गेंदों का सामना करते हुए। भारतीय टीम 265 बना पाई और इस मुकाबले को जीत लिया टीम इंडिया ने 143 रनों से। तो साउथ अफ्रीका विमेंस टीम जो है वो भारत दौरे पर आई है, जहां वो 3 वनडे, 3 T20 और 1 टेस्ट मैच खेलेंगे, यानी कि एक लंबी श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय विमेंस टीम के सामने साउथ अफ्रीका विमेंस टीम आई है और इसकी शुरुआत हुई है चिन्नास्वामी से और शानदार शुरुआत हुई। आप कितना प्रभावित हैं मंधाना की इस पारी से हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।